अच्छे कोशिश करा हमारी तरफ से यही कोशिश है राजवाड़ के आने से, लेकिन राजवाड़ रोड अभी तक चल नहीं रहा है। आज हमने शुरू किया है, चल रहा है, अब हमने धीरे धीरे इसकी कोशिश कर रहे हैं चलने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन भी साथ दे रहा है, अब चलाने के लिए आ रहे हैं। अब आप खुशी से आ गए हम बंग, हम लोगों को भी अपील करते हैं आ जाओ राजवाड़ रोड से, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। 29 किलोमीटर है, तकरीबन 30 किलोमीटर के करीब है यहाँ से। क्या मज़ा नज़ारा है यहाँ, अगर सब लोग देखते हैं, गुलमर्ग देखते हैं, पहलगाम देखते हैं, सोनमर्ग देखते हैं, बंगस भी देखा करो, कम से कम बंगस भी यही जगह है। जब भी धीरे धीरे इंशाल्लाह रहमान एडमिनिस्ट्रेशन भी साथ देगा, हुकूमत भी साथ देने के लिए होगा, हमारी तरफ से भी साथ होगा, कोशिश है हमारी सब चीज़ चलेगी, जगह भी बनेगी, टूरिस्ट प्लेस भी बनेगी, गाड़ियों की जगह भी बनेगी, लोगों की जगह भी बनेगी, धीरे धीरे सब हो जाएगा। मावर से भी यही हालत है, रामहाल से भी यही हालत है, हमारी से भी यही हालत है। हमारी से सबसे छोटा रास्ता है, सबसे कम सफ़र है, वहाँ से सबसे दूर है रामहाल से, पप्पाड़ा से जाओगे यहाँ से सबसे आसान रास्ता है। हम शुक्रिया करते हैं आपका, हम आपका भी शुक्रिया करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया करते हैं और हुकूमत का भी, गवर्नर इंतजामिया का भी शुक्रिया करते हैं, वो भी चलाए इस माखम में हमारी तरफ ध्यान दी, इसके लिए हमारी तरफ से ध्यान दी। अभी बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विस, आने दो, जिसको आना है वो हमारे साथ रब्ता करें, बड़ी खुशी से आए। आपका गाड़ियाँ बिल्कुल रोज़ होगा और कम किराए पर होगा, जो भी किराया बनता है 20% डिस्काउंट होगा, 20% हमारी तरफ मुनासिब से 20% कम है, मुनासिब से 20% कम, जो भी RTO साहब, हमारा RTO साहब कंसर्न किराया बनाएगा, उसको भी 20% कम लेके हम राजवाड़ रोड से आए। जो अभी तक वादे पक्के किए हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए हमारी तरफ से ये मैसेज है, आया करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कि अगर किसी के पास पैसा भी नहीं है वो स्टैंड में आए, पैसा हमारी तरफ से उसको मिले, आया शौक से आए, कोई परवाह नहीं, गाड़ी भी मिलेगा, खाना भी मिलेगा, आओ, कोई धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। अभी तक हुकूमत नहीं है, हुकूमत बनने दो, सब कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह रहमान। जो भी हमारा असेंबली मेंबर बनेगा पहला इसी तरफ ध्यान लगेगा इंशाल्लाह रहमान, अगर जिंदगानी हो तो। शबीब साहब, सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, हर बार वक्तन फवक्तन आप आवाम के साथ जुड़े रहते हो, माशाल्लाह आवाम भी आप लोगों की तारीफ ही, आपके चैनल की तारीफ ही करते हैं। लेकिन पूरी बात जो आपने इस बंगस वादी की, बोला भाई जान हंडवारा कितना दूर है, मैंने बोला भाई आप कहाँ से, बोला भाई जान हम हिमाचल से हैं, हमारे पास लाइसेंस हैं, हम बंगस वैली के लिए आए थे, तो हम पैराशूट चलाने वाले हैं, लेकिन बदकस्मती की वजह से हम बंगस पहुँचते ही वहाँ उन्होंने बोला कि आप लोकल जो जहां पर DC बैठता है उससे आप परमिशन लेकर यहां पर पैराशूट चलाइए। तो मैंने उनको अपने घर में 4 दिन रखा हिमाचल के थे। और जब मैंने उनसे पूछा, उन्होंने बोला जब हमने सर्च की मैप, जब हमने देखा तो सबसे पहले हमने यही, हमारे मैप पर यही रोड आ गया राजवार। उनसे मैंने गुफ्तगू की, मैंने बोला भाई जान क्या आप बंगस में रहे, आपने बोला भाई जान 3 दिन हम आते जाते हैं, लेकिन सबसे आसान रोड जो हमने देखा वो हमने राजवार से होते हुए, लेकिन बदकिस्मती हमारी 6 साल से रोड बन रहा है। शबीम साहब आप खुद देख लीजिए, अभी तक कंप्लीट नहीं, 6 साल तक अभी भी रोड कंप्लीट नहीं हो रहा है। लोगों की परेशानी कितनी है, खासकर इलाके राजबाग के लोग, हर एक के जहन में यही है कि बंगस रोड कब कंप्लीट हो जाए ताकि हम अपना रोजगार वहां पर खोलें। जैसे आप देखो गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, सोनमर्ग में कोई प्रॉपर बस्ती है नहीं, सही में मैं कहता हूँ अपने इलाके से लोग जाते हैं सोनमर्ग में घोड़े चलाने के लिए, पहलगाम में घोड़े चलाने के लिए, ये वर्डर से जाते हैं। अगर इतनी खूबसूरत जगह है, इतना अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, तो गवर्नमेंट इस पर ध्यान क्यों नहीं देती? मैं सरकार से आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, 6 साल से हमारा रोड कंप्लीट नहीं हुआ, अब हम जो खर्चा हम अपने जेब से कर रहे हैं, हम इन्हीं इसी आवाम से हम अपील करेंगे, हम भी जंगलात वालों की तरह एक चेकपोस्ट रख के लोगों से ही 2-2 रुपए, 5-5 रुपए, 10-10 रुपए लेकर हम ये बराबर कर देंगे और इंशाल्लाह रहमान इस पर हम
अपने जेब से ही। आवाम का साथ होना चाहिए, आवाम जब साथ में होगी, आवाम जब मदद करेगी, एक रुपया, दो रुपया, दस रुपया लेकर इंशाल्लाह रहमान वडरबाला से लेकर बंगस्तम, इस पर हम अपना जो खर्चा होगा वो हम अपने जेब से करेंगे। अगर सरकार पे इस पर अगर सरकार पे इस पर तवज्जो नहीं दिया, अगर सरकार ने नहीं किया। चलो बंगस जी, जहाँ मैं एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहता हूँ, क्यों ना वो इन्हीं मतलब जो बंगस में रहते हैं, अगर तीन जगहों से रास्ता है, तीन बंदों को तैनात करो, एक चेक पोस्ट लगाइए, उसमें एक एंट्री आप रख लीजिए, गाड़ी वाले से आप ये अपना ये पैसा ले लीजिए, चाहे दस रुपए हो, चाहे बीस हो, चाहे पचास हो, और उस गाड़ी को चेकिंग करके जितने भी उसमें मतलब डिस्पोजल उन्होंने वहां से लाया होता है यूज करने के लिए, ताकि जो गाड़ी यहाँ से वापस जाए खा पी कर वही डिस्पोजल एक लिफाफे में रखकर वहां पर जो बंदा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से होगा उसी के हाथ में देकर, ताकि वो उसकी रखवाली करके किसी और जगह उस डिस्पोजल को रखे। ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। रही बात दूसरी, एडमिनिस्ट्रेशन इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही? एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्कुल पता है कि बंगस टूरिज्म जो है, आपको पता होगा शमीम साहब, पिछले साल हमारी यही अपील है कि हमारी बेरोजगारी जो यहाँ से है एडमिनिस्ट्रेशन पे गवर्नमेंट एलजी इंतजामिया से और अपने नरेंद्र मोदी भाई जी से हम यही कहना चाहते हैं, कम से कम इस पर ध्यान दे दीजिए, यहाँ की बेरोजगारी ख़त्म कीजिए। अगर यहाँ की बेरोजगारी ख़त्म नहीं होगी, मुझे लगता है गवर्नमेंट ने जो एक प्रोजेक्ट उठाया है कि यहाँ से जो ये नशा प्रस्त लोग हैं, जो ये मतलब आजकल ऐसे एपिसोड होते हैं, गवर्नमेंट इस पर आज डटी हुई है कि यह सब कश्मीर में नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे मुझे लगता है, जैसे आप मान लो कि छः साल से ये रोड नहीं बनता है, मुझे लगता है अगर ऐसे ही हालात आगे भी रहेंगे, मुझे नहीं लगता है यहाँ बेरोजगारी बढ़ती ही जाएगी लेकिन कम नहीं हो जाएगी। लिहाजा हमारी मुतबाना गुजारिश एलजी इंतजामिया से और नरेंद्र मोदी जी से और अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से, खास तौर पर अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से, मेहरबानी करके कम से कम इस बंगस रोड पर अपना ध्यान दे दीजिए और यहाँ की बेरोजगारी पर ध्यान दे दीजिए। इंशाल्लाह रहमान उसी में उनकी भी कामयाबी है और हमारी भी कामयाबी है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद मकसूद है। क्या कहीं मकसूद साहब, क्या कारोबार में जब से बंगस को टूरिस्ट के नक्शे पे लाया गया, क्या कुछ कारोबार में आपको हुआ? हाँ सर, कारोबार में बहुत कुछ हुआ। हमारे घोड़े पहले तो हम ऐसे ही रहते थे, कुछ भी हमारे को पैसा शैसा नहीं मिलता था। आज हमारे को घोड़े चल रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं और हमारे को मजदूरी अपने दिन की बन जाती है, तो हमारा जो रोजगार है वो ठीक चल रहा है। जो अभी तक नहीं आया जनाब, अगर वो आएंगे तो देखेंगे कि बंगसबादी कैसी है, अच्छी लगेगी। गुलमर्ग से ये अच्छा है सर, क्योंकि जनाब इधर तो छोटा बंगस है, छोटे बंगस से ज़्यादा बड़ा बंगस है, फिर उससे आगे और प्लेन लाके हैं, ऊपर लशर है, बदरून है, जट्टी है जी, तो ये बड़े अच्छे अच्छे खूबसूरत लागे हैं, जड़ी बूटी अच्छी है और माल मवेशी वाले बकरवाल लोग भी हैं, घोड़े वाले भी हैं, सभी इधर अच्छी राश कर रहे हैं। क्या करने की जरूरत है अभी वादी बंगस में? वादी बंगस में सर जितना भी हो सके इतना टूरिस्ट होना चाहिए और बड़े अफीसर लोग आने चाहिए, देखें कि इधर कितनी अच्छी जगह है, दुकानें होनी चाहिए, हॉस्टल होने चाहिए जी, नेटवर्क होना चाहिए सर, वो है ही नहीं सर। मेन मसला नेटवर्क है सर, कोई बीमार हो जाता है, कोई प्रॉब्लम ऐसी, अस्पताल होनी चाहिए, कोई स्कूल बच्चों के लिए अच्छा होना चाहिए सर, नहीं सर आज वो बंद की गई है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम वो नेटवर्क की। मैसेज कुछ उनके लिए सर? सर पैगाम है कि हमारी रिक्वेस्ट है, अगर हमारे को इधर आप अस्पताल दे दें वो बहुत ज़रूरी है, नेटवर्क होना चाहिए उनके, बहुत ज़रूरी, हम उनके शुक्रगुजार हो सके।